नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो पौधा देख रहे हैं, जो वनस्पति देख रहे हैं, इसी वनस्पति के बारे में आज इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि यह औषधि जो है ना बहुत ही दिव्य और बहुत ही बेहतरीन औषधि है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 64 जड़ी बूटी में यह जड़ी बूटी बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है इसका। जी हाँ दोस्तों, 64 जड़ी बूटी में जो है ना इसका स्थान बहुत ही श्रेष्ठ है। जी, आप इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान लीजिए और जान लीजिए, देख लीजिए इसके फल हैं, फूल हैं, फूल बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं। और दोस्तों, इसका फल का जो बनावट है ना, वो देख करके ही समझ में आता है कि कितना सुंदर देखने में है तो कितनी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी पौधे के बारे में विशेष रूप से प्रयोग के बारे में बताएंगे, इसके फायदे बताएंगे और कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और बहुत ही सरल से अब बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और आप जो मार्केट में लाखों रुपया खर्च करके जो दवाई खाते हैं, उससे बेहतर है कि आप ये पौधे, ये जो जड़ी बूटी है स्वदेशी है, आपको ये आराम से मिल जाता है, आप इसको लेकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारी को दूर करता है। दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे का नाम बता दें, इस पौधे का नाम है अतिबला। जी हाँ दोस्तों, अति बला के नाम से जाना जाता है, मतलब कि कहने का होता है कि अत्यधिक बल प्रदान करने वाला, शरीर को निरोग बनाने वाला, शरीर को मानसिक शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाला, इसीलिए नाम दोस्तों इसका नाम है अति बला, अति बल प्रदान करने वाला। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं और उसके औषधि गुणों से आप परिचय कराते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फायदे की बात करें, जैसे मैंने बताया अति बल प्रदान करने वाला, तो जैसे पुरुषों में बल की कमी हो गया है, कमजोरी आ गया है, नपुंसकता है, धातु क्षीणता है, धातु की कमी है, शुक्राणु की कमी है, और कोई काम करने में मन नहीं लगता है, बूझे बूझे रहते हैं, दोस्तों इसके प्रयोग करने से आपके शरीर में जो धातु की कमी है उसका बारिश होने लगेगी, जिसका इसका पावर जो है ना नील है, नहीं है हो पा रहा है उनके लिए। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे और मेरे बताए हुए अनुसार आप इसका अगर प्रयोग करते हैं, आपको बहुत ही चमत्कारी बेहतरीन फायदा होगा। व्यक्ति को जैसे कि कमजोरी होने के बाद तनाव रहता है, या फिर सर दर्द होता है, या थकान होता है, चल फिरने में मन नहीं लगता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, तो दोस्तों उन व्यक्ति के लिए अति बला एक अमृत के समान है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत आसानी से हर जगह मिल जाएगा, पूरे भारतवर्ष में यह पौधा उगने वाला है, और खास करके बरसात के मौसम में। अभी देख रहे हैं इसमें बारिश भी हो रहा है, तो मैं शूट भी कर रहा हूँ, ये फोटो ले भी रहा हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में यह हरी भरी होते हैं, और जैसे बारिश खत्म होने लगेंगे तो इसके देखिए इसमें फूल निकले हुए हैं, फल निकले हुए हैं। तो दोस्तों, अभी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और इसको नहीं तो स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, दोस्तों स्किप ना करिएगा, क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी होता है ना, अगर आपको सही से जानकारी नहीं होता है किस मात्रा में लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, तो दोस्तों वो आपके लिए आधा अधूरा जानकारी जो होता है ना, कोई काम का नहीं होता है, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, हर चीज़ का एक मात्रा होता है, हर चीज़ का सही जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, अगर आपका पेट सही रहता है तो आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगा, आपके शरीर में ताकत की कमी नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया धातु रोग या फिर धातु क्षीणता, शीघ्र पतन, ये सब सारी जो समस्याएं होती है ना, ये पेट की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि आपके खाने में जो एनर्जी होता है, उस खाने को एनर्जी को बॉडी को सही से पहुंचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये कमजोरी आता है। तो दोस्तों, अगर पेट की अगर प्रॉब्लम है, तो इसका प्रयोग करके आप पेट की समस्याओं से भी दूर हो सकते हैं। दोस्तों, अति बला को कहीं कहीं इसे खरेटी के नाम से भी जाना जाता है,
और गुजराती में इसे कपट कहते हैं। ये अंग्रेजी में कंट्री मेलो, इसका वनस्पति नाम है एवर्टी मोल इंडनम। ऐसे तो दोस्तों अतिबला कई प्रजाति के पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। जैसे ये अतिबला, बला कई तरह के होते हैं। एक राजबला होते हैं, महाबला, नागबला, बला, इस तरह के दोस्तों बहुत सारे बला कैटेगरी है, जो प्रजाति है जो इसमें बोले जाते हैं। तो उसी में से यह एक है अतिबला। इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। बला भी एक कैटेगरी है और उसमें में एक अतिबला है। तो इसका प्रयोग बता देते हैं और कैसे कैसे आपको करना है और किस मात्रा में करना है, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कि इस पे थोड़ा सा बोलते हैं कि लंबे वीडियो मत बनाया करिए। चलिए दोस्तों आप आगे बताते हैं आपको कि कैसे इसका सेवन करना है। दोस्तों इसके अतिबला के जो है ना जर ले आइए और उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसको सुखा करके और उसको पीस करके पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक चम्मच आप इसका अतिबला का जर का पाउडर लें और उसमें एक चम्मच मिश्री मिला लें। जी हाँ दोस्तों, मिश्री मिला कर रख दें या फिर इसको अलग से मिश्री मिला करके। और उसको क्या करना दोस्तों, गाय के दूध, एक गिलास गाय का दूध। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, गाय का दूध ही ज्यादातर के प्रयोग करना चाहिए। दोनों को मिला करके इसका सेवन करें, सुबह सुबह करें या रात में सोते टाइम करें। दोस्तों इस तरह से, जैसे मैंने बताया, गाय का दूध जो होता है ना, दिमाग को तेज करता है और पचने में आराम होता है। इसलिए मैंने बार बार हर वीडियो में कहता हूँ गाय का ही दूध का आप प्रयोग करें। हाँ दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होते हैं उसका अगर सेवन आप गाय के दूध के साथ करें उसका फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि यह जो गाय का दूध होता है ना, यह माइंड को साफ रखता है, तेज रखता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, ये दो बार करें या सुबह या शाम, या एक बार भी आप कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कमजोरी हो, धातु छिन्नता की समस्या हो, शीघ्र पतन की समस्या हो, नपुंसकता की बीमारी हो, या पुरुष को जो कपड़े गंदे हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का समस्या हो दोस्तों, उसके लिए अतिबला का जो जर का पाउडर है ना, बहुत ही दिव्य औषधि है। दोस्तों अगर दिन में एक बार आप इसका प्रयोग करें तो 40 से 90 दिन तक आप इसका प्रयोग करें, दोस्तों यकीन मानिए आपको शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो, अनहोनी ताकत की कमजोरी हो, किसी भी प्रकार का कमजोरी हो, इसको दूर करने के लिए यह बहुत बेहतरीन और चमत्कारी औषधि है। दोस्तों अगर एक और प्रयोग है उसको भी कर सकते हैं उसी तरह है, बस आपको क्या करना है ना, इसके दो चम्मच इसका अतिबला का जर का पाउडर लें और एक मतलब आधा किलो दूध में इसको डाल करके इसको उबालें, धीमी आंच पे उबालें। जब 250 बज जाए तो आप इसको करके ठंडा करके हल्का गर्म रहे इसके बाद इसका सेवन करें दोस्तों, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस दो तरीका है दोस्तों, बाकी सब चीज वही है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो अंदर बीज होते हैं ना, उसको भी उबाल करके पिया जाता है। दोस्तों आप इसका जर का भी सेवन कर सकते हैं और इसके बीज का भी सेवन कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। और दोस्तों इसका एक और प्रयोग है, आप वो भी कर सकते हैं, इसके जर का काढ़ा बना करके आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जर का काढ़ा कैसे बनाना है, आप इसका जर ले आइए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हल्का कूट दीजिए, मतलब कि उसको सॉलिड ना रहे और उसको कूट करके और उसको काढ़ा बना करके आप सेवन करें, उससे भी आपको फायदा होगा। तो दोस्तों ऐसे भी आप इसका जर का भी काढ़ा बना के पी सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसके पाउडर, जर का पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका जर का काढ़ा बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों तरह से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आपकी शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी को और यह दूर करता है दोस्तों, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए जैसे कोई